हेलो, वेलकम है थारा मेरे एक नई वीडियो में। तो उम्मीद है सारे दम ठीक होगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करिए शाम के टाइम में। पूरा दिन चला गया, व्लॉग ना बनाया और इतना कुछ खास काम भी ना होता, फिर भी मैं व्लॉग बनाना बेरा को नहीं क्यों, पर मन ना करता। और ये 2 दिन तो बारिश होया, बाद में थोड़ा सा यूँ है कि दिल खुश होया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि ना तो काम करना मन करा था ना व्लॉगिंग करना मन करा था। पर आज मैंने सोची कि थोड़ा बहुत व्लॉग बना ली हूँ, नहीं तो फिर थम भी नाराज़ हो जाओगे। और मैं डेली बना ना पा रही क्योंकि मैं बताई जो कि मेरा मूड ना बन पाता इतना खास व्लॉगिंग करने का, पर आज बनाया है तो मैं सोची थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लूँ। कुछ कंटेंट है नहीं मेरे पास डालने खातर, पर जो मेरी डेली रूटीन रहेगा मैं शेयर करती रहूँ। वो उसका कुछ लोग बोर भी होते हैं और उसका कुछ लोग इंटरेस्ट भी लेते होंगे मेरी वीडियो में, तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं के जानूँ किसके मन में के है। तो जो भी है, जिसने मेरी वीडियो पसंद आया वो तो लाइक कमेंट करके चलाए जावे है, और जिसने ना आती वो भाई बस सिर्फ थंबनेल देख के भाग जाता होगा। हाँ बेटा, या बिरयाने की मांग है। हाँ क्या हो गया, पी लिया? इसने नींबू इतना ज़्यादा पसंद हो रहा है, बाल फिलहाल मैं डेली दिन के 2-3 बार नींबू बनवा ले हुआ है। मम्मी नींबू बना दे नींबू, तो मैं सुबह बनाऊँ एक तो, और एक शाम में बनाऊँ। सुबह इतना बना के रख दूँ कि दोपहर में चल जावे, तो नींबू ख़राब तो होता ना, तो बस बना के रख दूँ। बार बार कौन बनाओ इतनी गर्मी में, परेशानी हो जावे। गाड़ी चलावा है, देखा देख रहा है। हेलो गाइज, बोल दे ना, बोल रही तो गाड़ी ले जाऊंगी ना तेरी। बोल दे हेलो गाइज, ले बोल। कैसे हो आप, क्या कर रहे हो? मैं तो खेल रही हूँ। ये शाम हुई है जब यह बाहर निकली है, नहीं तो सारा दिन इसने मैं ब्रांडम घोट कर रखूँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप रहा है पूरा दिन, और 2 दिन बारिश होगी उसके बाद भी। आज धूप इतनी तेज़ थी कि गर्मी लग रही थी, तो मुश्किल हो जाए पूरे दिन बच्चे ने हैंडल करना। और मैं इसने फ़ोन भी ना देती, बाकी बच्चे फ़ोन खातर रोते रह गए मेरा, या तमने तो यह भी रोया फ़ोन खातर, क्योंकि यह आ गई थी नाना के इसने मिला फ़ोन, और आदत बिगड़ गई इसकी। पर उरा कोई फ़ोन देने वाला ना इसने, तो मैं भी ना देती, बस इसके दादा होंगे वह भला ही दे दो, बाकी मैं तो देती नहीं ना, मैं दे नहीं देती किसी ने। और दादा ने तो कौन रोक सके भाई, बड़े हैं। तो ये फ़िलहाल मैं कुछ काम लग जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोग के चक्कर में रहूँगी तो काम रह जाओगा। आज मैं वैसे भी लेट लगी हूँ, मेरा मन ना था, मेरे उर पेन है ये बहुत ज़्यादा रहने लगा, और कल जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ इलाज ना रहा, मैंने इतने डॉक्टर के पास दिखा लिया। तो अगर थार पास कोई है अच्छा डॉक्टर तो बताओ, अगर मेरे नज़दीक पड़ेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो रही हूँ दर्द के साथ, पूरा दिन पूरी रात रहा है। सोने के बाद तो पता ना चलता, पर जब तक जागती रहूँगी हर वक्त रहा है, तो ना तो काम करने मन करे ना आराम करा जावा। तो मैंने सजेस्ट ज़रूर करिए कि मैं कितने दिखा के आऊँ, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो मैं उड़े भी चली जाऊँगी। मैं जानने तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ठीक होना है, क्योंकि मैं काफ़ी डॉक्टर दिखाया, अभी तक कोई आराम करनी, कोई हड्डी का, कोई नॉर्मल डॉक्टर, हर किसी के पास चली गई मैं, तो दिखा दूँगी जड़ धाम को, उड़े भी दिखा दूँगी मैं। ये मैं रावड़ी रांधनी है, तो पहले तो मैं कर दी हूँ पंखा बंद और दिखाऊँ हमने भी। ये मैंने ये पर्दे डाल रखे हैं, पूरा दिन हम इसमें निकालते हैं, तो ये पर्दे डालने के बाद ये रूम सही हो जाए, तो वैसे ये बरामदा है, पर ये डालने के बाद में सही है, ठंडक भी रहा। आज मैंने कूलर भी ना चलाया, क्योंकि मैंने बताया कि 2 दिन हो गया बारिश हुई थी, तो ये ठंडक हो रही है, तो कबाड़ा सा मच रहा, थोड़ा सा ठीक कर दूँ उसने, उसके बाद मिलूँगी तुमने, तो बने रहो इन तक। काम ज्यादा ना होने की वजह तो मैंने यह भी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ब्लॉग बनाऊं तो बनाऊं थारा भी मार दू गोली।
यो कूलर हमने बाहर रखना पड़ा है यार। राबड़ी पहले भी उन ब्लॉग में दिखाई थी, राबड़ी रख रख के खट्टा गाल का सॉरी बर्तन रखते हूँ। तने दिखाऊं ये देख, तने दिखा दूं, हेलो कर दे हेलो। इसने तो जेड़ा छोड़ दू नुड़े ही मिल जाया। ओहो डिग्गी ठा दी, सामान ले आवे। इसकी अलमारी दिखाऊं था हमने, मैं डेली इसकी अलमारी सेट करूँ और डेली बिगाड़ देवे। देखो किस तरह ऊपर रखा है यो भी और इससे नीचे वाला भी, इसमें भी मेरा ने कितने कपड़े हैं इसके छोटी सी के भी। बड़ी होगी जो तो मेरा ने कितने लाओगी, क्या खाना पड़ा है तेरी बात करूँ हूँ। शर्मा हुआ, कल मैंने इसकी कटिंग कर दी, देखो कितनी गंदी कटिंग करी है, बहुत बद्दी लगा है, बिगाड़ के रख दी। आज तो मौसम ठीक है, ज़्यादा अच्छा को नहीं, गर्मी सी है। देख लो पानी ऊपर आ रहा है, तो बस कर लूँ मैं इसने तैयार। पहले तो मैं दूध गर्म कर लूँ हूँ चूल्हा पे, सारी लकड़ी भी गिल्ली हो रही है। तो रखा दूध, तो पहले इसने गर्म कर लूँ हूँ क्योंकि वो रात में पीने का काम आओगा, जमाने का तो बेरा को नहीं बचेगा ना, क्योंकि गाय का दूध निकालते को नहीं, हमने भी तो मोल लेना पड़ेगा। दूध गर्म हो गया, निकाल दूंगी इसने मैं दूसरे बर्तन में। ओ गर्म बड़ा है पोता, ज्यादा गर्म है। देखो के हो कितनी परेशान हो रही हूँ मैं व्लॉगिंग के चक्कर में। इससे मैं राबड़ी बना लूंगी, तो राबड़ी बनाने खातिर ऊपर ऊपर का पानी डालना होगा, नीचे का ये हुई मैं छोड़ दूंगी। और जो आटा है खट्टा बोला है इसने, मतलब आटे तो बनाए बाजरे का आटा मिला रखे इसमें, नमक और बाजरे का आटा, तो इसका आँच लगाऊंगी। जो कापी में हूँ खतर तैयार है बिल्कुल, देख लो खेच दो काम में। इसमें मैं मिला दूँ पानी एक गिलास, और ये देखो गवा में ठंडा पानी रखने का तरीका। तो भी यार आपड़ी का पानी जो है वो अच्छा उबल जाएगा, उसके बाद में यह डलेगी इसके अंदर, फिर यह काफ़ी देर तक चमची के साथ मतलब कि रोड़ी जाओगी बोली जाओ रहे गोली जाओगे इसने, फिर चिराल पक जाओगी, उसके बाद यह तैयार हो जाएगी, फिर इसने ठंडी करांगे। ठंडी करने के बाद इसने वापस तो इसने धो के इसमें डाल के फ्रिज में रख देंगे जब ठंडी हो जाओगी, और सुबह इसने लस्सी में मिला देंगे और घोल देंगे, तो बनेगी राबड़ी और बहुत टेस्टी हुआ है। चाहे ट्राई करके देख लियो, और शायद उसका किसी पी भी रखी होगी। बिल्कुल मैं ये रखा हूँ, इसने ढक के रखा हूँ, आज पराठे बने थे देखो छोटे छोटे पराठे, तो ये रोटी मैं निकाल दूंगी, पराठे तो कोई खा भी लेगा। लाइट चला दे। तो मैंने आटा और गूंदना है, तो मैं बस आटा गूंद लूँ, और इतना जब तक वो पानी बढ़ जाएगा तो बने रहो हम। तो और ज़्यादा बड़ा व्लॉग ना करते हुए मैं कर दूँ इसमें एंड, और मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। और अच्छी रात तक पूरा व्लॉग देख लिया करो, अगर ना टाइम है तो बाद में देख लिया करो, जब भी टाइम मिला है कोई जल्दी ना है तो, पर पूरी देखा करो वीडियो ने, स्किप मत करा करो। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।